मुंगरा बोलते हैं यहाँ के देश क्यूट से गार्डन का। करो सारे हेलो, हम अपने खेत में। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिंपल ठाकुर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एट योर प्लेसेस। और मैं अभी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जो है अपने गाँव आए हुए हैं। एक्चुअली कल हम लोग गाँव आए थे किसी काम की वजह से, तो अभी हम लोग यहाँ का आसपास का जो एरिया है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं है, तो मेरे को था कि मैं आसपास जाके खेत वगैरह थोड़ा एक्सप्लोर करके आऊँ, कैसे हैं कैसे नहीं है। तो अभी हम जा ही रहे थे अपने खेतों की तरफ, तो रास्ते में मेरे को ना एक पेड़ मिला। ये जो पोमेग्रेनेट होता है ना, अनार, उसका छोटा जो वर्जन होता है, ये इस पेड़ में वो लगता है, इसको दाड़ू बोलते हैं यहाँ पे। मेरे को भी अभी पता लगा, इसकी जैसे चटनी वगैरह बनती है खट्टी। तो अभी देखो इसमें ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, कितने क्यूट से लग रहे हैं। अभी ये निकल चुके हैं, अभी थोड़े से बड़े, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े से, जैसे अनार का साइज बहुत बड़ा होता है, बट ये थोड़े ही बड़े होते हैं। और हाँ, ये खट्टे खट्टे होते हैं थोड़े। चलो अब आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं जगह को भी, खेतों को भी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी हैं हम अपने खेत में, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो गेहूं होती है ना, वो बोई हुई है यहाँ पे, कनक बोलते हैं जिसको। एक्चुअली दिसंबर में लगाई थी, तो अभी भी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। आई थिंक मई में इसकी कटाई हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी मैच्योर नहीं हुई है। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तब इसकी कटाई कर दे। और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है यार खेत। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे खेत देखा है पूरा, यू नो, गेहूं ऐसे दूर से तो बहुत देखा है, ऐसे खेत में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इतने सालों में, मतलब पहली बार। और अच्छा लग रहा है मेरे को, कितना काफ़ी सुंदर लग रहा है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है आसपास। और मौसम भी टचवुड अच्छा है, ठंड नहीं है, धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम लविंग इट। और मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं क्यूट से, है ना जेनू? जेनू हेलो बोलो, वहाँ पे हाई करो, ऐसे हाई करो, से हाय, से हाय टू द कैमरा। हाय। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लम के हैं, और यहाँ पे भी छोटे छोटे लगे हुए हैं यार। मैं आपको दिखाते थे, थोड़े नीचे आओ, आई शो यू। यहाँ पे देखो छोटे छोटे लगे हुए हैं अभी प्लम के, कितने क्यूट से लग रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं यार। ये देखिए, तो ये आलू बखारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये उसका पेड़ है। तो यहाँ पे अभी लगना शुरू हो गया, पर छोटे छोटे सारे ये जितने भी आसपास है सब में लग गए, छोटे छोटे हैं अभी। और ये जो थोड़ा सा दूर आप देखिए, आड़ू है, पीच जो होता है, बट ये अभी लगे नहीं है यहाँ पे। प्लम जो लग चुके हैं, बट आड़ू अभी लगे नहीं है, ये शायद अभी होने को हैं। तो ये जो एरिया है इसमें अभी प्लम और पीच के जो है वो प्लांट्स हैं। और अभी आगे एप्पल्स के भी हैं, बट एप्पल्स का भी हमें आइडिया नहीं वो कहाँ, जैसे आगे आप बताओगे इनको कौन सा साग है। एक्चुअली अभी ये जो मेरे साथ क्यूट सी बच्ची आई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर के फ्लावर्स है, मेरे को नहीं पता ये एग्जैक्टली क्या है। तो आई वाज आस्किंग कि किस चीज़ के फ्लावर है, तो ये पीछे से बोलती कहती साग है। किस चीज़ का साग है जेनू, बताओ जेनू बताओ, फिर वो लोग भी बनाएंगे। आप बताओगे कि साग का है? साग तो सबको बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो आप बताओ पहले, साग है वो? साग है, साग है। देखो ये भैया भी बोल रहे साग है जेनी, कौन सा साग है बताओ उनको, घर लेके चले फिर हम साग। फ्लावर का साग है, अच्छा। सो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ हमारे घर की बहुत ही क्यूट बच्चा पार्टी से। सो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से, ये है परी। परी से हाय, जोर से बोलो थोड़ा, हेलो पीपल, बोलो हेलो पीपल, हेलो पीपल। और सेकंड है क्यूट से प्रिंस, हेलो बोलो। नन्नी सी जेनी, से हेलो, हेलो क्लास, हम सब का प्यारा, हेलो। तो ये हमारे घर की हेलो बच्चा पार्टी, हेलो, हाय करो सारे, हेलो, हेलो, हाय, हेलो, हेलो। चलो नीचे चलते हैं, चलो। मैं ही सबसे आगे चलती हूँ, चलो आप इतना
बनाया ये? दादा ने बनाया? ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। और नेल पेंट किसने लगाया आपको? ये भी दादा ने लगाया। प्रिंस की तो लगा ही नहीं है, है ना? तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये नींबू का पेड़ है, और वो जो उधर आप ऊपर देख रहे हो, मैं आपको रुको अभी दिखाती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, इसे यहाँ की लैंग्वेज में दागला शायद बोलते हैं, ये उसका पेड़ है। हाँ, वो जो अंजीर होता है ना फेक जिसको बोलते हैं, ये उसका पेड़ है। तो अंजीर जैसे बहुत अच्छे होते हैं आपको पता है खाने के लिए, तो मैंने भी पेड़ इसका मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। सी ये रहा अंजीर का पेड़। अरे हमारी क्यूट सी बच्चा पार्टी है वापस आ चुकी है। एक्चुअली हमने ने कहीं भेजा था कुछ लाने के लिए, और ये लोग काम करके अभी वापस आ चुके हैं। हेलो, देखिए कितने क्यूट से बच्चे हैं दोनों, और बहुत कहना मानते हैं दोनों, बहुत प्यारे हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पे देखी है। मतलब यहाँ पे ना, मतलब जैसे जो कटाई वगैरह करते हैं ना, ये जो आप देख रहे होंगे बास्केट का, तो इस बास्केट को यू नो पीछे कैरी करके फिर उसमें उसमें जो घास या जो भी ये सारी चीजें जो काटते हैं इसमें डाल के लेके जाते हैं। इस बास्केट को क्या बोलते हैं? इस बास्केट को किल्टा बोलते हैं। अब यहाँ की लैंग्वेज में किल्टा बोलते हैं, जैसे इसने कैरी किया हुआ है अभी, आप देखो आपके लिए। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको फिक का पेड़ दिखाया ना, उसमें शायद अंजीर लगे हुए हैं अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड, वन सेकेंड, आई शो यू कहाँ है ये देखिए। सी अभी छोटे छोटे जो है यहाँ पे अंजीर का पेड़, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे जो है अंजीर का पेड़। हाँ, और मैं एक और चीज आपसे बोल रही थी, मैंने ऊपर आपको गेहूं का खेत दिखाया था ना, जहाँ पे गेहूं लगे हुए थे, तो मेरे को वैसे इतना डिफरेंस नहीं पता लगता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये शायद जौ है, ये मैंने पूछा यहाँ पे, तो ये जौ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो वो अभी काट रहे हैं जौ, तो ये मैच्योर हो चुकी है जौ। हाँ, थोड़ी बहुत आती हुई, तो इसको शायद ऐसे ही काट दिया जाता है, तो इसलिए अभी इसकी कटाई चल रही है। और इन दोनों को देखो, बास्केट के पीछे लड़ रही है लोग। तुम दोनों से बड़ी तो बास्केट है, इसी में समा जाओगे दोनों बच्चे भी ना। सीरियसली मतलब बच्चों की लाइफ जन्नत होती है यार, सीरियसली बहुत। मतलब आप लोगों को भी बचपन याद आता है कि कभी कभी, मुझे तो कभी कभी बहुत याद आता है रियली यार, कितना हम लोग यू ना मस्ती करते थे, चिल करते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। बट उस टाइम पे हम लोगों को शायद ऐसा लगता है कि कब जैसे हम लोग बड़े होते यू नो, कब हम लोगों को मम्मी पापा डांटना बंद करते, रोकना टोकना बंद करते। बट अब जो टाइम आ गया तो अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, बचपन बहुत सही था, बचपन बहुत अच्छा था। तो ये देखो ये कट करके अभी रखी हुई है यहाँ पे, ये जौ है। तो गाइस अभी हम यहाँ खेत में हैं, और कुछ बोला, और ये मेरी छोटी मम्मा है, और ये हमारा प्रिंस है। प्रिंस भी कुछ बोला। बैठने के बाद टाई किया जाता है, तो अभी इसको रस्सी से टाई करेंगे। गिर गया पूरा, लगा के रखा हुआ था और गिर गया पूरा का पूरा। थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए अभी सारे अपने अपने खेतों में जो जौ की कटिंग कर रहे हैं। आप दूसरे खेत में भी देखते होंगे, वो लोग अपने जौ की कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे खेत में चल रहे। ऐसे रस्सी से इसको टाई करा जाता है, और फिर इसको आई थिंक वो जो बास्केट मैंने आपको दिखाई थी उस बास्केट में डाल के फिर इसको लेके जाते हैं। हाफ बास्केट में लेके जाएंगे और हाफ ऐसे लेके जाएंगे इसको। और अभी थोड़ा मौसम यू नो ठंडा सा हो गया, शाम हो गई है काफी, मौसम ठंडा ठंडा हो गया अभी काफी। सो ओवर भी दिखाती हूँ मैं आपको, आप क्या ले लेंगे सारा। तो ये है हमारी क्यूट सी भाभी जो हमसे पहले आ गई थी यहाँ पे। अभी इन्होंने देख लो सारा कटाई करके, सारे इन्होंने काटा है, देखो सारा कट करके इन्होंने रख दिया है, और अभी ये हम लोग मतलब घर लेके जाएंगे यहाँ से। बाय कर दो, बाय चलो 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 आगे चलो अब जल्दी।
चलो बच्चों, प्रिंस फोटो ले रहा है। फोटो तो ले रही हो तो चलो तो फिर आगे, इसमें ले रही हूँ मैं फोटो, आगे चलो चलो। ये छोटा सा बच्चा भी छोटा सा लेके जा रहा है, ये देखिए ऐसे लेके जाते हैं। दिखाना ही भूल गई थी। ये हमारा एक छोटा सा गार्डन सा है घर के बाहर, तो यहाँ पे सनफ्लावर लगे हुए हैं और देखो कितने ज्यादा क्यूट है और कितने अच्छे खिले हुए हैं। इनको मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा एक बार ये भी आपको दिखा दूँ। अभी तो शाम का वक्त है, आई डोंट नो अभी उतने अच्छे आपको दिख रहे होंगे वीडियो में नहीं, पर दिन के वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और हाँ, मेरा खुद का मन था कि हम यहाँ शिमला में भी लगाएं, बट वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि इनको वहाँ पे लगाया जाए। यहाँ पे जगह काफ़ी है तो यहाँ पे लगे हुए और बहुत सही लगते हैं यार ये, मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो एक छोटा सा लुक ले लीजिए हमारे छोटे से क्यूट से गार्डन का। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ की देसी जो सब्जी है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसको मूंगरा बोलते हैं यहाँ की देसी जो लैंग्वेज है उसमें। ये जो मूली होती है आप लोगों को पता होगा, अगर मूली को ना निकाला जाए, जैसे आपको पता है अंडरग्राउंड वो लगती है, उसको ना निकाला जाए तो उसके ऊपर ये लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने भी कल फर्स्ट टाइम खाई थी और बहुत सही बनती है, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है तो हेल्दी भी बहुत होती है। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है और हम लोग वापस आ गए हैं खेत से। तो मैंने आज ट्राई किया कि आपको अगर मैं यहाँ पे गांव पे आई हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी गांव की लाइफ दिखाऊं और यहाँ की चीज़ें दिखाऊं, कैसी है कैसी नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई होप आप सबको ये सब अच्छा लगा होगा जो मैंने आज थोड़ा सा गांव का आपको रूटीन दिखाने की कोशिश करी और थोड़ा बहुत जो गांव में खेत खलियान वगैरह दिखाए आपको पसंद आए होंगे, आपको मज़ा आया होगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मज़ा आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और मिलते हैं फिर मेरी नई किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।